हेलो फ्रेंड्स, श्रेया फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। आज हम कैनवास की स्टिचिंग करेंगे और कैनवास की स्टिचिंग करने के लिए हमें मशीन में 21 नंबर की नीडल लगानी होती है। ये देखिए, ये साइकिल का सीट कवर है, इसकी स्टिचिंग करके बताऊंगी। यहाँ जो नेफा लगता है साइकिल में उसको बांधने के लिए, उसके लिए हम इस पर नेफा बनाएंगे। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, ये देखिए, और इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ये डबल में लिया हमने। अगर आपके पास कैनवास है तो आप कैनवास भी ले सकते हो और कपड़ा भी ले सकते हो। जैसा हम सलवार के अंदर बेल्ट बनाते हैं उसी तरह से हमें इसके अंदर लगाना है। जैसे आप लहंगे में बनाते हो, सलवार में बनाते हो, उसी तरह से आपको इसको अटैच करना है। ये देखिए, पीछे साइड है ये, और हमें इसको अंदर की तरफ इस तरह से लेना है ऐसे। और ये डबल फोल्ड है, और इस तरह से हम इसको दूसरी सिलाई ऐसे कर देंगे। तो पहले हम एक सिलाई करते हैं इस तरह से इसको रख के। ये आप स्टिच करते समय ध्यान रखें कि आप इस कैनवास को नीचे की तरफ रखें और ये कपड़ा ऊपर की तरफ रहेगा तो अच्छे से सिलाई हो जाएगी, यानी कपड़ा खिसकेगा इजीली। अब हम इसको कट कर लेते हैं और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें नेपा बनाना है और अब हमें इस तरह से उलटना है इधर की साइड ऐसे करके। इसमें हम डोरी डाल देंगे। ये देखिए, सीट कवर में हमने नेफा बना दिया। अब आप इसमें डोरी डाल के और खींच लेंगे तो सीट टाइट हो जाएगी। और ऐसे छोटे छोटे काम के लिए आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे भी नॉर्मल मशीन से भी आप ये सब काम कर सकते हो। जैसे आपकी स्कूटी का सीट कवर है या आपका रेगजीन का कोई बैग फट गया, उसको भी आप इस तरह से घर पे भी स्टिच कर सकते हो। जैसे हमने आपको साइकिल का सीट कवर सिल के बताया, इसी तरह आप सभी तरह के छोटे छोटे काम आप घर पर ही कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।